सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट सुपर फ्रेंड्स, मैं हूं रफी। तो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऑफिशियल तौर पर आधिकारिक तौर पर आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का पूरा कंफर्म शेड्यूल और कार्यक्रम अनाउंस कर दिया है, जहां सभी भारतीय फैंस के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि इस बार वर्ल्ड कप 2023 पूरा भारत में ही खेला जाएगा, यानी कि टीम इंडिया होस्ट करने वाली है। भारत के अलग अलग स्टेडियम में अलग अलग मैदान पर खेले जाएंगे वर्ल्ड कप 2023 के सभी मैचेस, जिससे भारतीय टीम को भारतीय खिलाड़ियों को काफी तगड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि भारतीय टीम अपने होम ग्राउंड पर अपने सरजमीन पर काफी शानदार जबरदस्त प्रदर्शन करती है, काफी शानदार खेलती है। अब जहां टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड के खिलाफ काफी बुरी तरह से हार गई थी और फाइनल मैच में नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन इस बार टीम इंडिया के पास काफी सुनहरा मौका होगा इतिहास रचने का, यानी कि वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच में पहुंचने का काफी बढ़िया मौका होगा और ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जीतकर टीम इंडिया इतिहास रचना चाहेगी, क्योंकि पूरा वर्ल्ड कप भारत में ही खेला जाएगा। आपको बता दें कि आखिरी वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट में खेला गया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने होस्ट किया था, लेकिन इस बार वर्ल्ड कप 2023 T20 फॉर्मेट में नहीं बल्कि ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाएगा, यानी कि 50-50 ओवरों का होगा यह ओडीआई वर्ल्ड कप 2023। और यह ओडीआई वर्ल्ड कप का 13वां सीजन है, यानी कि 13 एडिशन है, जहां आखिरी ओडीआई फॉर्मेट में जो वर्ल्ड कप खेला गया था वो साल 2019 में खेला गया था, इंग्लैंड एंड वेल्स ने होस्ट किया था, जिसकी चैंपियन टीम बनी थी इंग्लैंड की टीम। आपको बता दें कि यह आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 अक्टूबर और नवंबर के महीने में खेला जाएगा, जिसमें टोटल टॉप की 10 टीम पार्टिसिपेट करने वाली हैं, सिर्फ 10 टीम ही हिस्सा लेने वाली हैं इस वर्ल्ड कप 2023 में, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान समेत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ये टॉप की 10 टीमें इस वर्ल्ड कप 2023 में पार्टिसिपेट करने वाली हैं, हिस्सा लेने वाली हैं, जो राउंड रोबिन और नॉकआउट के फॉर्मेट में खेला जाएगा। आपको बता दें कि टीम इंडिया 2 बार ओडीआई वर्ल्ड कप की चैंपियन बन चुकी है, एक 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने फाइनल मैच में वेस्टइंडीज को हराकर खिताब जीता था पहली बार, तो वहीं साल 2011 में आखिरी बार टीम इंडिया महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में श्रीलंका को फाइनल मैच में हराकर इतिहास रचा था, दूसरी बार ओडीआई वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। तो टीम इंडिया इस बार ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीतना चाहेगी और तीसरी ट्रॉफी अपने नाम करना चाहेगी, जहां इससे पहले टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप का खिताब मात्र एक ही बार जीत पाई है, वो साल 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने फाइनल मैच में पाकिस्तान को हराकर इतिहास रचा था।